एक पुरानी कहावत है, हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। लगातार हो रहे मिग हादसों के बाद जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल कर इसे अपग्रेड कर दिया गया। अब ये मिग 21 बाइसन कहलाता है, पर देसी टेक्नोलॉजी का बाइसन भी इतना दमदार है कि मैदान में अमेरिकी F-16 का मुकाबला कर सकता है। नया मिग 21 बाइसन हर लिहाज से डेडली है। ग्राउंड अटैक के साथ एयर डिफेंस के लिए भी फिट। जमीन पर मिसाइलें दागनी हो या आसमान में फाइटर को मार गिराना हो, साफ कहें तो मल्टी रोल। इसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दुश्मन को ढूंढ कर मारती हैं। रडार और जहाजों को छकाने के साजो सामान से लैस। हमने पहली इंटरनेशनल एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2004 और सिंडेक्स 2004 में अपना लोहा विश्व को मनवाया, तो लोगों को इस बात का यकीन हुआ कि बाइसन एक ऐसा जहाज है जो विश्व में एक अपने में एक मिसाल है और एक ताकत है। बाइसन के पायलट का हेलमेट भी कुछ कम नहीं, जिसमें टारगेट हिट करने के लिए सर को घुमाने की भी जरूरत नहीं होती। ये जो आप देख रहे हैं हेलमेट के ऊपर एक साइटिंग डिवाइस लगा है, जिसको कहते हैं हेलमेट माउंटेड साइटिंग डिवाइस, जिसमें जब मैं उड़ता हूं तो ये मेरे राइट आई के आगे ये शीशा आ जाता है, जबकि और इसमें अंदर इसके अंदर दो सर्कल रहते हैं। और इसको पहनने के बाद ये जो दो सेंसर्स लगे हैं, इसकी मदद से मेरा हेड जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा रडार और मेरे मिसाइल्स देखेंगे। कॉकपिट की काया पलट से लेकर स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम, ये सब कुछ एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कर दिखाया है। इसका रडार है जिसका नाम है कोपियो, जो कि बहुत लंबी रेंज तक दुश्मन को पकड़ लेता है विद ऑटो लॉक एंड TWS फैसिलिटी। दैट मींस अगर जहाज का रडार ट्रांसमिट कर रहा है और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि उस पर किसी जहाज ने लॉक ऑन कर रखा हो। और ये वो हथियार है जिनके दम पर मिग 21 बाइसन दुश्मनों पर भारी पड़ता है। ये हीट सीकिंग मिसाइल है, ये एयरक्राफ्ट का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करती है। और ये क्या है? ये टीवी गाइडेड बोम है, ये पायलट को कॉकपिट के अंदर टारगेट को टीवी इमेज दिखाता है। और कितना एरिया डिस्ट्रॉय करता है ये अराउंड 300 स्क्वायर मीटर एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। बदलावों की लिस्ट इतनी लंबी है कि 50 साल पुराने इस प्लेन में सिर्फ ढांचे को ही पुराना कह सकते हैं। आज से 50 साल पहले इस जहाज को डिजाइन करने वाला जो इंसान था उसकी सोच से आज हम बहुत परे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी सोच अगर धरती पे थी तो हम आज आसमान पे हैं। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मशीन आज भारतीय वायुसेना इस तरीके से दुनिया को छका देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। नए जमाने के विमानों के बीच अब मिग की विदाई का वक्त आ गया है। 2017 तक मिग को हटाने का काम पूरा हो जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सलाम कीजिए जिस जमीन पर एक पूरी पीढ़ी पली और बढ़ी, ये उसके आत्मा का पहरेदार रहा है।